प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ जी। जी गुरु जी, कल मुझे ध्यान में अनुभव आया कि मेरा कपाल आधा कट के ये अलग हो गया, अब मुझे ऊपर से दिखाई दे रहा है आसमान। और फिर उसके बाद दूसरा अनुभव उसी वक्त आ गया कि सफ़ेद सफ़ेद दूधिया जैसा प्रकाश में मैं नहा गया हूँ। तो गुरु जी, ये कपाल वाला का क्या मतलब है, जो मतलब ये कट गया? आपके दोनों अनुभव बहुत अच्छे हैं और संदेश दे रहे हैं अनुभव कि भविष्य में आपकी उन्नति होगी। मगर ऐसा नहीं है कि बहुत से, जैसे मैंने कह दिया कि भविष्य में उन्नति होगी तो देखता हूँ कैसे उन्नति होगी, हाथ पे हाथ रख के मत बैठे रहें। अर्थात जो अभ्यास कर रहे हैं करते रहें, जो आपका वर्तमान अभ्यास चल रहा है वैसा ही करते रहें। और अनुभव का अर्थ यही है कि आगे चल के उन्नति होना। जी गुरु जी, एक ये चीज और दूर कर दीजिए, मेरी कुंडलिनी पिछले शिविर में उठाई गई थी नाभि चक्र तक, तो उसका जो क्षेत्रफल है पहले मतलब रीढ़ की हड्डी पर लाइन जैसा था, लेकिन 3 दिन बाद उसका क्षेत्रफल पूरी पीठ में हो गया, मतलब ऐसे चौड़ाई में। और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कुंडलिनी मेरी अभी भी गले तक जाती है, मेरा गला सूख जाता है और चुभन जैसी होती है यहाँ अंदर तक, और पीछे भी इतनी बड़ी लाइन और बन जाती है इसी के पीछे, और गरम गरम रहता है। थोड़ा और गहरा ध्यान होने पर फिर कुछ नहीं पता चलता। तो आप चाहते क्या है, क्या मतलब? अब मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या वो कुंडलिनी है का गर्म गर्म लग रहा है या प्राणों की गर्मी है? कुंडलिनी की जी, जितना आपने कहा चौड़ाई हो गई, इसका मतलब आपके शरीर की शुद्धता बढ़ रही है। जितनी शरीर की और चित्त की शुद्धता बढ़ेगी, कुंडलिनी की अनुभूति उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, गरम गरम। जो साधक ज़्यादा शुद्ध होते हैं या रात दिन साधना में लगे रहते हैं, यानी जिनका उद्देश्य अपना उनका जीवन सिर्फ साधना ही है, तो उनकी पूरी पीठ गर्म हो जाती है। पीठ ही नहीं बल्कि हाथ की हथेलियां तक और उंगलियां तक गर्म हो जाती हैं। आप सभी जान सकते हैं कि रीढ़ के द्वारा जो ये नाड़ियाँ निकलती हैं और यहाँ तक आती हैं, तो वैसी ही गर्मी या नाड़ियों में हाथों में यहाँ पूरे यहाँ तक रहती है, गोल गोल घूमती है। इसीलिए मैंने बताया कि हाथ भी गर्म हो जाते हैं जी। अरे आपके अनुभव सभी अच्छे हैं, अनुभूति भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि आपकी शुद्धता धीरे धीरे बढ़ रही है। चलो लगे रहो, अभ्यास करते रहो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा नाम पवन है, मैं गुड़गांव से आया हूँ जी। गुरुजी, मेरे को कोई अनुभव नहीं आ रहे, जैसे सभी भाई बता रहे हैं, कोई सुबह चढ़ रहा है, कोई चीज गर्म हो रही है, पीठ गर्म हो रही है, कोई ऐसा अनुभव नहीं आ रहा मेरे को। आप कब से साधना करते हैं? मैं गुरुजी पिछले 2-3 साल से तो नहीं, पिछले मैं जर्मनी में था तब मैं आपकी वीडियोस देखता था, तब उस टाइम मैंने काफी साधना की थी। तो बीच में मेरे को रात को सोते वक्त मूलाधार पे बहुत ज्यादा एक बार प्रेशर पड़ा था, फिर वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को उठ के बैठ जाना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मैं बैठा नहीं। पर उसके बाद फिर वो अनुभव बिल्कुल नहीं हुआ। फिर अब मैं रेगुलर आधा घंटा पौना घंटा सुबह या आधा घंटा शाम को इस टाइम से करता हूँ, और अभी 5-6 दिन से मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे को मेरा कमरा चेंज करना था, तो उस चक्कर में मेरे को काफी चीजें मेरी डिस्टर्ब हो गई। इतनी साधना में जरूरी नहीं कि आपको अनुभव आए या अनुभूति हो। कितने दिनों से साधना कर रहे हैं ये गुरुजी? साल कह सकते हैं, साल मतलब साल से कम नहीं है, साल के आस। इसका मतलब है कि आपकी साधना बहुत कम है, यानी अभ्यास थोड़ी देर करते हैं। चित्त पर शुद्धता या आपके अंतःकरण शुद्धता कम है, जो ना तो अनुभव दिखाने का काम करते हैं और ना ही अनुभूति होती है। आपको अपने चित्त की शुद्धता ज़्यादा करनी होगी, और ध्यान भी 2.5 से 3 घंटे
तब करना होगा, इसके बाद ही सोचें। जरूरी नहीं कि अनुभव आए या अनुभूति हो। जब 2-3 घंटे आप कठोरता के साथ साधना करेंगे, इसके अलावा और भी अपना जीवन का जो व्यवहार है पालन करेंगे, कुल मिलाकर के चित्त शुद्धि जब एक निश्चित अवस्था तक हो जाएगी, इसके बाद ही अनुभव और अनुभूति होते हैं। धन्यवाद जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।